वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एंड मोल। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आप अपने चैनल को वेरीफाई कैसे करें। 2020 में वेरीफाई का थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है, ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, पूरा समझाएंगे, पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइज, आप चैनल वेरीफाई अपने फोन से भी कर सकते हैं और अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उस पर भी आप खोल सकते हैं। फोन में करने के लिए दोस्तों आपको 3 डॉट पे जाना होगा। 3 डॉट पे जाने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप साइट में क्लिक करना होगा, ठीक है, तो आपका जो फोन है वो कंप्यूटर की तरह खुल के आएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च करना होगा, सर्च बॉक्स में YouTube डैशबोर्ड यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। और इसके बाद गाइज यहाँ पे मेरा जो चैनल है वो साइन इन है, ठीक है, तो आप यहाँ से अपने जो चैनल है उसे यहाँ पे साइन इन कर लीजिएगा, तभी आपका ये खुलेगा। इसके बाद यहाँ पे YouTube डैशबोर्ड में जाते हैं, तो इसके बाद आइए देखते हैं कुछ इस प्रकार से दोस्तों इंटरफेस हमारे सामने आता है। अब इसके बाद यहाँ पे चैनल वेरीफाई का ऑप्शन हमें मिलेगा, तो आइए आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले दोस्तों हमें जाना होगा नीचे की ओर, जाना है नीचे की ओर, यहाँ कोना में आपको दिखाई दे रहा है सेटिंग वाला ऑप्शन, तो सेटिंग वाले ऑप्शन में मैं क्लिक कर लूंगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, तो मैं यहाँ पे चैनल वाले ऑप्शन में सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या आता है। तो गाइस इसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं एक ऑप्शन है फ्यूचर एलिजिबिलिटी, तो गाइस इसे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाता है। अब यहाँ नीचे में आपको ब्लू कलर का एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है स्टेटस एंड फीचर्स, यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो YouTube है वो यहाँ पे ओपन होगा, तो हमें फिर से मोर में जाना है। मोर में जाने के बाद क्रोम ब्राउजर को सिलेक्ट कर लेना है, लोड। सो गाइज इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पे आपका चैनल को लोगो दिखाई पड़ रहा है और नेम दिखाई पड़ रहा है, जस्ट उसी में यहाँ ब्लू कलर का एक वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। वेरीफाई में क्लिक करते हैं, जैसे हम वेरीफाई में क्लिक करते हैं फिर से यहाँ पे हमें क्रोम ब्राउजर सिलेक्ट कर लेना है। क्रोम ब्राउजर सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमसे कुछ पूछा जाता है, इंडिया कॉल मी विथ ऑटोमेटिकली वॉइस टेक्स्ट दी वेरीफाई कोड, तो यहाँ पे हमें मैसेज एक आएगा, ठीक है, ओटीपी आएगा मेरे फोन पे, तो यहाँ पे कर लेते हैं टेक्स्ट दी वेरीफाई कोड, तो यहाँ पे कर लेते हैं टेक्स्ट में वेरीफाई कोड, ठीक है गाइस। और यहाँ पे हमारे नंबर पे आएगा, तो यहाँ पे मेरा नंबर यहाँ पे टाइप करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना नंबर टाइप करूंगा। इंटरफेस यहाँ पे हमें डाल देना होगा नंबर जो भी है, तो नंबर डालने के बाद यहाँ सबमिट में क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट में क्लिक करेंगे हमारे पास 4 डिजिट का ओटीपी आ जाएगा, सो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास ये ओटीपी आ गया है, अब यहाँ पे कॉपी ओटीपी कर लेते हैं। कॉपी ओटीपी करने के बाद गाइज यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देन गाइज हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। सबमिट में हम जैसे क्लिक करते हैं तो यार हमारे जो चैनल है वो वेरीफाई हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन योर यूट्यूब अकाउंट इज वेरीफाई नाउ, तो भाई खुशखबरी है कि अभी हमारा जो चैनल है वो वेरीफाई हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे थंबनेल लगा के दिखा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये पहले हमारा जो थंबनेल था वो नहीं लगता था, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो वेरीफाई नहीं हुआ था। अब हम वाई टी स्टूडियो में जाते हैं। वाई टी स्टूडियो में जाने के बाद गए यहाँ पे हमारा जो थंबनेल था वो पहले नहीं लगता था, अब हम लगा के दिखाते हैं आपको, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे पेंसिल वाले आइकॉन में क्लिक करते हैं। पेंसिल वाले आइकॉन में जैसे क्लिक करते हैं तो भाई यहाँ पे फिर से करते हैं और यहाँ पे कॉस्ट्यूम थंबनेल हमारा जो है इनेबल हो चुका है। पहले भाई ये जो शो ही नहीं करता था, अब यहाँ से हम थंबनेल अपना लगा सकते हैं। तो कोई सा भी अगर हम थंबनेल ले लेते सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब भाई हमारा जो थंबनेल है वो लगने के लिए रेडी हो गया।